हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ये एक सुंदर सा फ्लावर लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये बड़ा ही सुंदर लगेगा। आप इसको अपने किसी कार्डिगन वगैरह में या बच्चों के जो सूट्स वगैरह बनाते हैं क्रोशिए वाले, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। गोपाल जी के ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के जो बूट बनते हैं छोटे छोटे, उसमें ये आप इसका छोटा साइज बना के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये वहाँ पर भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप ये मैंने 1, 2, 3, 4 लेयर में बनाया है। आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, आप इसको 3 लेयर में बना सकते हैं, आप बड़ा बनाने के लिए आप इसकी 5 लेयर भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक होल बना लिया है इस तरीके से। अब हम अपना क्रोशिया हुक इसमें डाल के एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद अब हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, दो चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, दो चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, दो चैन, सिंगल क्रोशिया, दो चैन, सिंगल क्रोशिया, दो चैन, सिंगल क्रोशिया, दो चैन। देखिए यहाँ पे जहाँ हम ये दो चैन बनाते हैं वहाँ पर हमारी ये एक लूप बनते जाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर ये दो चैन, तो यहाँ पर हमारा एक लूप बन गया ये वाला, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये दो चैन, तो यहाँ पर एक लूप बन गया। अब हमें ये लूप अपने हमें इसी तरीके से ये अपने 8 लूप बनाने हैं। तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब ये हमारे 7 लूप यहाँ पर बन गए हैं। तो 8वां लूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ये जो हमारी ये फर्स्ट चैन है हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो अब ये हमारे यहाँ पर 8 लूप बनकर तैयार हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये यहाँ पर हमने अपने 8 लूप बना लिए हैं। अब ये जो जस्ट इसके जो ये बराबर में ये लूप है इसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए इसमें हम ऐसे आ जाएंगे, फिर हमें 1, 2 और 3 3 चैन बना के हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चैन लेंगे और फिर सेम इसी लूप में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लूप जो ये है फिर हम इसमें स्लिप स्टिच से इसमें आ जाएंगे और इसके बाद फिर हम 2 चैन बनाएंगे और 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन और सेम इसी लूप में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर ये जो नेक्स्ट है इसमें हमें स्लिप स्टिच से आ जाना है, 2 चैन, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन और फिर यहीं पर ही हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी 3 पत्तियां बन गई हैं।
एक पत्ती में आपको और बना के दिखाती हूँ। स्लिप स्टिच, दो चैन, यहीं पर सेम दो बार डबल क्रोशिया, फिर से दो चैन और सेम इसी लूप में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी 1 2 3 4 चार पत्ती बन गई हैं। हम इसमें 8 पत्ती अपनी इसी तरीके से बना लेंगे। ये यहाँ पर मैंने अपनी 8 पत्ती बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, अब हम इसको उठाएंगे, लेकिन हम इसको फ्रंट से नहीं उठाएंगे, हम इसको बैक साइड से उठाएंगे। ये ऐसे है ना, ये बैक साइड इस तरीके से गए और यहाँ पर ये हमने अपना स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हम 1 2 3 चैन बना के, और ये जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, हम इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 तीन चैन, और ये जो हमारा नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीन चैन, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया, तीन चैन, फिर ये नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर से तीन चैन। तो हमारी ये लूप बनते जाएंगे ऐसे, ये हमारे लूप बनते जाएंगे। तो ये लूप भी हमें अपने 8 लूप ही बनाने हैं। तो हमारे 1 2 3 4 5 सिक्स 1 2 3 7 1 2 3 अब हमारा जो ये लास्ट वाला लूप बनेगा, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग में ही ये हमने नीचे वाला सिंगल क्रोशिया उठाया था, अब हमें फिर से यही वाला दोबारा से उठाना है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये अब हमारे 8 लूप बनके रेडी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट लूप है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे और 1 2 दो चैन बना के सेम इसी लूप में तीन बार 1 2 और 3 तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना के, फिर हमें दो चैन और सेम इसी लूप में हमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर हमारा नेक्स्ट लूप, फिर इसमें स्लिप स्टिच से आ जाना है, और फिर यहाँ पर दो चैन, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, सेम इसी जगह स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच से आ जाना है, फिर दो चैन, और फिर से हमें वही कंटिन्यू करना है, तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और सेम उसी जगह हमें
ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, ये हमारी 3 पत्तियां बनकर रेडी हैं। तो ये भी हमारी 8 पत्तियां ही बनेगी। जैसे यहाँ पर हमें ये नेक्स्ट लूप में आके आना है, फिर 2 चैन, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और सेम इसी जगह हमें जॉइंट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमारी ये टोटल 8 पत्ती बनेगी। मैंने अपनी पूरी ये रो कंप्लीट कर ली है और इसमें हमारी टोटल 8 पत्तियां बनी हैं। अब हमें ये जॉइंट करना है। ये जो हमारा बैक साइड में ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब हम फिर से 1, 2, 3 और 4, हमने 4 चैन बना ली है। और ये जो हमारा नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया है, हम इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 1, 2, 3, 4 4 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है और 1, 2, 3, 4 4 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया उठा के इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1, 2, 3, 4 4 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से हमें अपने 8 लूप बनाने हैं। पर ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे ये 7 लूप बन गए हैं। 8वां लूप हमारा पीछे से ये हम अपना डबल क्रोशिया उठा के यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे 8 लूप बन के तैयार हैं। अब हम फिर इस वाले लूप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से। इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और हम 1, 2 चैन बना करके 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर हमने 4 चैन बनाई थी, तो इसलिए अब हम 4 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन और सेम इसी लूप में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर हमें नेक्स्ट लूप में जाना है स्लिप स्टिच, 1, 2, 2 चैन और 4 बार डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन और सेम इसी लूप में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, 2 चैन, 4 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन और सेम इसी लूप में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पत्तियां बनती जाएंगी। हम ये वाली भी हमारी 8 पत्तियां ही बनेंगी। तो हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमारी 8 पत्तियां बन गई हैं। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। पीछे से हम ये डबल क्रोशिया ये उठा के स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट चैन है, इसमें हम एक बार फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 अब 5 चैन लेकर के हम नेक्स्ट
इसमें हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और नेक्स्ट लूप में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 5 चैन बना के नेक्स्ट फिर ये हम अपना डबल क्रोशिया उठा के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 चैन। फिर नेक्स्ट ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको उठा के फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ही हम अपना पूरी रो कंप्लीट करेंगे। हमारे फिर से ये 8 लूप ही बनेंगे तो हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लिप स्टिच से इस लूप में आ जाएंगे। ये हमारे 8 लूप बनके रेडी हैं। अब 1 1 और 2 दो चैन बना करके ये हमने यहाँ पर 5 बार चैन बनाई थी तो अब हम 5 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 बार डबल क्रोशिया बना के 2 चैन और सेम इसी लूप में हम इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से 2 चैन और 5 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 5 बार ये हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं 2 चैन और सेम इसी जगह हम इसको जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जॉइंट करना है फिर स्लिप स्टिच से नेक्स्ट लूप में आ जाना है 2 चैन 5 बार डबल क्रोशिया 2 चैन फिर सेम यहीं पर हम इसको जॉइंट कर देंगे तो हम अपनी पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ये बैक से हमने एक डबल क्रोशिया लिया और स्लिप स्टिच किया और ये जो हमारी फर्स्ट चैन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे। एक चैन लेके हम धागा काट देंगे। ये हमारा एक सुंदर सा फ्लावर बनके रेडी है। आप इसमें एक बीच में यहाँ पर एक बटन लगा सकते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।